कभी तोता और टुन्नू नाम के दो दोस्त जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। काफी देर लकड़ियाँ काटने के बाद उन दोनों को प्यास लगती है। फिर वो दोनों दोस्त पानी पीने नदी के पास जाते हैं। तभी अपने सामने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है। अरे, ऐसा विचित्र बगीचा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ के पेड़ तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और जरा देखो इसके ऊपर कितने सारे सोने के फल लगे हैं। इन सोने के फलों को बेचकर हम दोनों बहुत अमीर बन सकते हैं। चलो जल्दी से पेड़ों के ऊपर चढ़कर सारे सोने के फल तोड़ लेते हैं। ये कहकर वो दोनों बहुत सारे सोने के फल तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। फिर रात के समय, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 300+700 कितने होते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, एक ही दिन में हम दोनों की किस्मत बदल गई। मुझे लगता है हमें उस बगीचे में जाकर और सोने के फलों को तोड़कर लाना चाहिए। फिर वो दोनों बड़ी टोकरियाँ लेकर उस बगीचे में पहुँच जाते हैं और पेड़ों के ऊपर चढ़कर सोने के फलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा आ जाती है। अच्छा, तो कल तुम दोनों मेरे बगीचे से फल चुरा कर ले गए थे। कल मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए तुम दोनों को पकड़ नहीं पाई। लेकिन तुम दोनों का लालच दोबारा तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। अब तुम दोनों को मेरे चुंबन से कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे नहीं, ये तो बहुत ही डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा है। हमें पता नहीं था ये बगीचा आपका है, वरना हम दोनों यहाँ कभी नहीं आते। हमें जाने दो। नहीं, मैं इतने सालों से पक्षियों का आने के इंतजार कर रही थी। आज इतने सालों के बाद तुम दोनों मुझे मिले हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। इतना कहकर वो दोनों दोस्तों को दो बड़े बड़े पेड़ों में बदल देती है। अब तुम दोनों मेरी जाल में पूरी तरह फंस चुके हो। यहाँ मौजूद सभी पेड़ पहले पक्षी हुआ करते थे। मैं इसी तरह पक्षियों को पेड़ बनाकर कैद कर लेती हूँ और उन पर सोने के बल लगाकर उन्हें लालच देकर यहाँ आने के लिए मजबूर करती हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक रात कुछ पक्षियों का ग्रुप उस बगीचे की तरफ आ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, दोस्तों मुझे लगता है ये कोई मायावी बगीचा है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। तभी वहाँ पर भूतिया चिड़िया की आत्मा आ जाती है। आज मेरी किस्मत बहुत जोरों पर है, एक साथ मेरे चुंगल में इतने सारे पक्षी फंस गए। अब मैं तुम सबको हमेशा के लिए पेड़ बनाकर इस बगीचे में कैद कर दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने पर्स से एक चाकू निकालती है और उसके पर काट देती है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ने लगती है। अरे धोखेबाज चिड़िया, ये तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मेरे पर काट कर मुझे बेबस कर दिया। जल्दी से मेरे पर मुझे वापस कर, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, तेरी जैसी धोखेबाज का यही अंजाम होना चाहिए। अब मैं ये पंख तुझे नहीं दूंगी। ये कहकर उसके पंख में आग लगा देती है, जिसकी वजह से उसका शरीर भी आग में जलने लगता है। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में वो जलकर राख हो जाती है और सारे पेड़ बने पक्षी अपने असली रूप में आ जाते हैं और टुनटुनी का धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी अपनी समझदारी और बहादुरी से सबकी जान बचा लेती है। एक रात कालू कौवा टुन्नू चिड़ा गांव के पास वाले बगीचे में फल तोड़ने जाते हैं। तभी उन्हें उस बगीचे में एक सोने से बना हैंडपंप दिखाई देता है। अरे ये हैंडपंप यहाँ कहाँ से आ गया? आज से पहले तो हैंडपंप को मैंने कभी नहीं देखा। जरा इस हैंडपंप को गौर से तो देखो, ये हैंडपंप पूरी तरह सोने से बना है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई हैंडपंप है। ठीक कहते हो, ये एक सोने का जादुई हैंडपंप है और शायद इसके अंदर से पानी की तरह ढेर सारा सोना निकलता है। चलो इसे चलकर देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67+89+9 कितने होते हैं।
लालच में आकर दोनों हैंडपंप को चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उस हैंडपंप से ढेर सारा खून बाहर निकलता है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं। अरे नहीं, इस हैंडपंप से तो खून निकल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो हैंडपंप एक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाता है। वो उन दोनों को पकड़कर जमीन के नीचे बने तहखाने में ले जाती है। अरे लालच में आकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब भूतिया चिड़िया की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ मुझे हमेशा सिखाती थी, कभी लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। काश मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती। दोनों बात कर रही थी कि तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बड़ा सा चाकू दोनों के पेट में घोप कर उन्हें मार देती है। उसके बाद दोनों का खून पी लेती है। मजा आ गया, कितने दिनों बाद मेरी प्यास बुझी है। ये कहकर वो फिर से सोनी का हैंडपंप बनकर उस बगीचे में खड़ी हो जाती है। फिर अगले दिन से जो भी पक्षी लालच में आकर उस हैंडपंप के पास आता था तो उसे मारकर खा जाती। इस तरह रोज कोई न कोई सोनी के हैंडपंप के लालच में आकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के जाल में फंस जाता था। फिर एक दिन टुनटुनी नाम की एक चिड़िया उस बगीचे में फल तोड़ने आती है। उसे बहुत प्यास लगती है, तभी उसे सोने का हैंडपंप दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत होशियार थी। उस सोने के हैंडपंप को देखकर वो समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है, इसलिए वो हैंडपंप को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया गाँव के तांत्रिक से मिलकर उसे सारी बात बता देती है। तुमने मुझे उस सोने के हैंडपंप के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। टुनटुनी, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के बहुत सारे पक्षी अचानक लापता हो गए हैं। हो ना हो, उनके गायब होने और सोने के हैंडपंप के बीच जरूर कोई संबंध है। फिर अगले दिन तांत्रिक और टुनटुनी सोने के हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक बड़ा सा पत्थर उस हैंडपंप के ऊपर रख देता है, लेकिन तभी वो हैंडपंप भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाता है। अरे ये पत्थर मेरे सर पर किसने रख दिया, ये बहुत ही भारी है, कोई इसे हटाओ। ये जादुई पत्थर है, मैंने अपने मंत्र से तैयार किया है, अब ये तेरे सर से कभी नहीं हटेगा। तभी वहाँ पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तांत्रिक एक मंत्र पढ़कर उस पत्थर पर आग लगा देता है, जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पूरा शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है और वो मर जाती है। इस घटना से सबक लेकर सभी गांव वाले जिंदगी में कभी लालच न करने की कसम खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी डांसर थी, वो अपने डांस के लिए हर जंगल में मशहूर थी। टूनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कालू था, लेकिन टूनी कालू कौवे की असलियत नहीं जानती थी। दरअसल कालू बहुत ही लालची और धोखेबाज था। एक मौका पाकर कालू सुंदरी कौवे के साथ मिलकर टूनी को जान से मार देता है। उसके बाद वो दोनों उसकी लाश को उसके घर में दफन कर देते हैं और उसके घर पर कब्जा करके वहाँ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद टूनी भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती है। अब मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू और सुंदरी के पास पहुंच जाती है। तुम दोनों ने मुझे धोखे से मारा है, अब तुम दोनों को जान से मारकर मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। बेवकूफ, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देख, हमारे गले में तांत्रिक का दिया हुआ शक्तिशाली ताबीज है, उसके रहते कोई भूत या चिड़िया की आत्मा हमें छू भी नहीं सकती। ये सुनते ही टूनी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों पर अपने परों से वो वार करना शुरू कर देती है, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। लगता है इन दोनों को मारने के लिए मुझे किसी पक्षी के शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम उसे एक चिड़िया जंगल में रोती हुई दिखाई देती है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? टुनटुनी भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखकर घबरा जाती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आज मेरा डांस कॉम्पिटिशन है, लेकिन सीढ़ियों से फिसल कर मेरा पैर बुरी तरह टूट गया। मैंने इस डांस कॉम्पिटिशन के लिए पूरे साल मेहनत की थी, लेकिन
शरीर में जाऊंगी। उसके बाद डांस कंपटीशन में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने कौवी के साथ मिलकर मुझे जान से मार दिया और अब वो दोनों मेरी दौलत पर कब्जा करके मजे कर रहे हैं। मैं उन दोनों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर में घुस जाती है। इस वजह से टुनटुनी डांस कंपटीशन में बहुत अच्छा डांस करती है। तुम्हारी वजह से मैंने डांस कंपटीशन जीता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब तुम्हारे कातिलों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद टुनटुनी हाथ में तलवार लेकर कालू और सुंदरी के घर पहुंच जाती है। ए चिड़िया, तू कौन है और इस तरह मेरे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल यहाँ से। उन दोनों को टुनटुनी की शक्ल में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की शक्ल दिखाई देने लगती है। अरे ये तो टूनी है, लगता है ये इस चिड़िया के शरीर का सहारा लेकर हमें मारना चाहती है। तूने सही कहा, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर टुनटुनी अपनी तलवार से उन दोनों को एक पंख काट देती है। अरे नहीं प्लीज, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। तुम दोनों ने पैसों के लिए मेरी जान ली थी ना, अब मैं तुम दोनों को भिखारी बनाकर सड़क पर बिठा दूंगी और तुम दोनों जिंदगी भर पैसों के लिए लोगों से भीख मांगोगे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों की टांग काट देती है और उन्हें लंगड़ा बना देती है। चलो अब भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का सर भी काट दूंगी। ये सुनते ही दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर से बाहर निकल जाती है और उसे अपनी सारी दौलत सौंप कर वहाँ से चली जाती है। रामपुर गांव की जंगल के पास एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु थी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जंगल के पास वाले खेत में सोने की जादुई मिर्च की खेती करके फसल उगाया करती थी और फसल उगने पर वो अपना रूप बदलकर शहर चली जाती और सारी सोने की मिर्च वहाँ के बाजार में बेच देती थी। एक दिन वो बाजार में सोने की मिर्च बेच रही थी, तभी वहाँ गरीब अनाथ बच्चे आकर दुकान वाले से भीख मांगने लगते हैं। सेठ जी, हमें बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया, दया करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए। उस चिड़िया की बात सुनकर दुकान का सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे तुम्हारा बाप मेरे पास पैसे छोड़कर गया था क्या, जो तुम लोग यहाँ मुँह उठाकर पैसे मांगने चले आए? चलो भागो यहाँ से, वरना एक एक करके तुम्हारी टांगे तोड़कर फेंकवा दूंगा। सेठ की धमकी सुनकर सभी बच्चे घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है और फिर रात के समय वो सारे बच्चे कचरे के ढेर के पास पहुँच कर वहाँ से बासी खाना उठाकर खाने लगते हैं। ये देख वो उन्हें फौरन रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम लोग ये बासी खाना मत खाओ, मैं तुम्हें ताज़ा खाना खिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा का घर होने की वजह से उस घर में ढेर सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। आंटी, आपका घर तो बहुत ही डरावना है, यहाँ इतनी अजीब चीजें क्यों रखी हुई है? देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, असल में मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम लोगों को मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत सारा खाना तैयार करके उनके सामने परोस देती है। अपने सामने तरह तरह के पकवान देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। भूतिया आंटी, सच में आप बहुत अच्छी हो, आपका बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। हम गरीब अनाथ बच्चों को इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मैं तुम सभी को रोज इसी तरह ढेर सारा खाना बनाकर खिलाया करूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इस तरह उन बच्चों की मदद करके भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बहुत खुशी होती है और वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन कड़कनाथ सिर जो बहुत लालची और धोखेबाज था, वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को खेती करते हुए देख लेता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के खेत में लगी सोने की मिर्च की फसल को देखकर कड़कनाथ सेठ के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही उपजाऊ खेत थे। सोने की मिर्च की फसल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारकर इसके खेत पर कब्जा करना होगा। अगले दिन कड़कनाथ सेठ एक तांत्रिक को लेकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के खेत में आ जाता है। उस समय वो खेत में काम कर रही थी, तभी मौका देखकर तांत्रिक और कड़कनाथ सेठ उसके खेत में भूतिया दवाई मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। मेरी भूतिया दवाई ने अपना असर दिखा दिया, अभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को ले जाकर जला देते हैं। फिर वो दोनों से उठाकर खेत के पास में लकड़ियों के ढेर के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद तांत्रिक उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है और आग लगा देता है, लेकिन तभी अचानक वो सारे नाग बच्चे वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो हमारी भूती आंटी को जलाकर मारना चाहते हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। फिर वो सारे बच्चे दौड़कर कड़कनाथ और तांत्रिक पर हमला कर देते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। उन बच्चों से मार खाकर कड़कनाथ और तांत्रिक घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर बच्चे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर पानी डालकर आग को बुझा देते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को होश आ जाता है। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाई, अब से तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सोने की जादुई मिर्च की खेती करके बाजार में बेचकर उन अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी।